हेलो, वेलकम टू स्टैट लर्न टेक। सो आज से हम एक नई वीडियो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं नंपाई के ऊपर। इस वीडियो सीरीज़ में हम नंपाई को कवर करेंगे फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस लेवल। और अगर आपने ये सीरीज़ प्रैक्टिस के साथ अच्छे से फॉलो किया तो आप जल्दी खुद को नंपाई एक्सपर्ट कह सकेंगे। सो स्टार्ट करते हैं नंपाई के इंट्रोडक्शन से। सो नंपाई क्या है? नंपाई इज़ अ फास्ट एंड एफिशिएंट साइंटिफिक कंप्यूटिंग लाइब्रेरी डिज़ाइन फॉर पाइथन लैंग्वेज। यानी कि ये कंप्यूटिंग लाइब्रेरी है, मेनली साइंटिफिक कंप्यूटिंग लाइब्रेरी। कहने का ये मतलब है कि ये बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे कंप्यूटिंग कर सकता है, बहुत ही फास्ट है और बहुत ही एफिशिएंटली डिज़ाइन किया गया है पाइथन लैंग्वेज के लिए। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि इट्स बेसिस इट प्रोवाइड्स एन डायमेंशनल एरे डेटा स्ट्रक्चर इन विच कंप्यूटिंग इज़ वेरी फास्ट एंड ईजी। सो इसका बेस क्या है, नंपाई में ऐसा क्या है जिसके लिए ये यूज़ होता है इतना ज़्यादा और इतना फास्ट और एफिशिएंट है? सो इसके अंदर एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि एन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है, यानी कि कितने भी डायमेंशन का डेटा वो होल्ड कर सकता है, जो कि इस पर की कंप्यूटिंग करना बहुत ही फास्ट है, बहुत ही ईजी है। राइट, सो इस इंट्रोडक्शन वीडियो का कॉन्टेंट क्या है? आई बिलीव कि किसी भी टेक्नोलॉजी का या किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन में पांच चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वह है व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर। सो नंपाई का जो कंटेंट है आज का वो ये है कि व्हाट इज़ नंपाई, यानी कि नंपाई क्या है, व्हाई टू यूज़ नंपाई, यानी कि हम नंपाई को क्यों यूज़ करें, ऐसा क्या है नंपाई में और जो कि ट्रेडिशनल पाइथन में अवेलेबल नहीं है या फिर उतना आसान नहीं है यूज़ करना कि हम नंपाई को यूज़ करें। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हेन, हम उसको कब यूज़ करें। अब हमें पता है कि क्या है, क्यों यूज़ करें, बट हम उसको कब यूज़ करें वो भी तो ज़रूरी है जानना। और हाउ टू यूज़ नंपाई, अब हमें पता है कि वो क्या है, क्यों है और कब यूज़ करना है, बट उसको कैसे यूज़ करना है, उसके प्रोग्राम्स को कैसे बनाना है, उसको हम जानेंगे हाउ टू यूज़ नंपाई में। और वेयर, वेयर इज़ नंपाई ऑलरेडी इन यूज्ड, ये टेक्नोलॉजी कहाँ पर ऑलरेडी यूज़ में है, कितनी अच्छी जगह पे ये यूज़ है या कहाँ कहाँ ये यूज़ होती है, ताकि हमें आइडिया लगे कि इसको जानने के बाद हम उसको कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। राइट, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है व्हाट इज़ नंपाई। ओके, सो व्हाट इज़ नंपाई, नंपाई क्या है? सबसे पहला पॉइंट है कि इट इज़ एन ओपन सोर्स लाइब्रेरी डेवलप्ड बाई ट्रेविस ऑलिफेंट इन 2005। सो ये एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, यानी कि ये फ्रीली अवेलेबल है आपके यूज़ के लिए। इवन आप इसके कोड को अपने कंप्यूटर में इम्पोर्ट करके उसमें चेंजेस ला सकते हो, उसको चेक करने के लिए, उसको एडवांस बनाने के लिए। इतना फ्री अवेलेबल चीज़ है आपके लिए। और इसको बनाया है ट्रेविस ऑलिफेंट ने 2005 में। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आपको जानना ज़रूरी है किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है कि नंपाई इज़ अ फास्ट एंड एफिशिएंट साइंटिफिक कंप्यूटिंग लाइब्रेरी डिज़ाइन फॉर पाइथन लैंग्वेज। ये सेकंड और थर्ड पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको डिफाइन किया था पहले स्लाइड में। सो एक बहुत ही फास्ट, बहुत ही एफिशिएंट साइंटिफिक लाइब्रेरी है जो कि पाइथन में बनाया गया है, यानी कि आपको पाइथन आना ज़रूरी है इसके लिए। इसका बेस एन डायमेंशनल एरे डेटा स्ट्रक्चर है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि इस पर फास्ट है, बहुत बहुत ईजी है कंप्यूटिंग करना। राइट, जो नई चीज़ है जानने की वो ये है कि इसके अंदर बहुत ही सारे एडवांस मैथमेटिकल फंक्शन है, जैसे कि लीनियर एलजेब्रा, मैट्रिसेस, फूरियर ट्रांसफॉर्म। सो अगर आपको कोई भी लीनियर एलजेब्रा का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है आप इसके थ्रू कर सकते हो। मैट्रिसेस के ऑपरेशन है लाइक ट्रांसफॉर्म करना, मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना, आप इसमें इजीली परफॉर्म कर सकते हो। थोड़ी एडवांस मैथमेटिकल और जाएंगे तो होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो अगर आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म आता है, उसका आपको प्रोग्राम बनाना है अगर, तो आप कैसे बनाओगे, आप नंपाई की हेल्प से बना सकते हो। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं किस पे, वाई टू यूज़ नंपाई पे। वाई टू यूज़ नंपाई, सो हम नंपाई को क्यों यूज़ करें? तो पहला पॉइंट है कि इट हैज़ अ ह्यूज स्पीड एंड परफॉर्मेंस एडवांटेज ओवर द ट्रेडिशनल पाइथन्स लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। सो पाइथन में ऑलरेडी एक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है, जो कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पाइथन आता है तो आपको लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा, जो कि एरे लाइक स्ट्रक्चर को होल्ड कर सकता है। राइट, तो ऐसा क्या है नंपाई में, हम इसको यूज़ क्यों करें? सो सबसे पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो यही है कि ह्यूज स्पीड और परफॉर्मेंस एडवांटेज है, यानी कि पाइथन लिस्ट पे आप किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो, उसी को अगर आप नंपाई के एरे पे परफॉर्म करो तो नंपाई के एरे बहुत ही अच्छे स्पीड से, बहुत ही जल्दी उसको परफॉर्म कर सकता है, बहुत ही जल्दी उसको एग्जीक्यूट कर सकता है उस कोड को, और आपको रिजल्ट दे सकता है। इससे आपका प्रोग्राम बहुत ही फास्ट हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल पाइथन प्रोग्राम। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज़ ओपन सोर्स विथ ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट, यूजिंग इट एंड फाइंडिंग एनी प्रॉब्लम सॉल्यूशन इज़ मच ईजियर। सो इसका मतलब है कि ओपन सोर्स है, जैसा कि मैंने बताया कि ओपन सोर्स है, यानी कि ये आप फ्रीली अवेलेबल है, फ्रीली यूज़ कर सकते हो, और इसको बहुत ही लार्ज टेक कम्युनिटी
यूज़ करती है, इसलिए इसका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अगर आप उसको इंटरनेट पर सर्च करने जाओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा सॉल्यूशंस मिलेंगे, जिससे कि आप अपने प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हो। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है कि इट यूजेस मच लेस मेमोरी टू स्टोर डेटा इन इट्स एरे। यानी कि अगर आपका एरे में कोई भी डेटा को स्टोर करते हो, उसी सेम डेटा को अगर आप पाइथन के लिस्ट में स्टोर करोगे तो आपको ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 3 times लेस मेमोरी यूज़ करेगा NumPy। यानी कि मेमोरी सेविंग है, सेम डेटा को स्टोर करने के लिए कम मेमोरी अगर लगती है तो आप कम मेमोरी को ही इस्तेमाल करोगे, उससे आपका प्रोग्राम छोटा रहेगा, इजीली एग्जीक्यूट होगा और आपके सिस्टम पे भी कम मेमोरी को यूज़ करेगा। राइट, सो नेक्स्ट पॉइंट है कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर मच ईजियर टू परफॉर्म। बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं लार्ज प्रोग्राम्स को बनाने के लिए, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स में मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ होते ही हैं। तो अगर आपको उसके ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बहुत बेसिक है, उसके अलावा भी बहुत हाई फाई प्रोग्राम्स होते हैं मैथमेटिक्स के, तो वो आप इस पर ईजिली परफॉर्म कर सकते हो। बहुत ही सारे इनबिल्ट फंक्शंस ये दिया हुआ है इसके अंदर, जिस पर हम आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। ओके, सो वेरी इजी टू वर्क ऑन एन डायमेंशनल डेटा। अगर आपका डेटा है एन डायमेंशनल, 2D डेटा है, 3D डेटा है, 4D डेटा है, इवन 10D डेटा है, 10 डायमेंशनल डेटा भी है, तो आप इसको NumPy के 10D डेटा में स्टोर कर सकते हो, आराम से उसको स्ट्रक्चर दे सकते हो और आराम से उस पर अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस और कंप्यूटेशन परफॉर्म कर सकते हो। वेन टू यूज़ NumPy, यानी कि NumPy को हम कब यूज़ करें। राइट, सो पहला पॉइंट है मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, तो जो कि जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज़ होता है NumPy। तो अगर आपको बहुत ही लार्ज डेटा है जिस पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, बहुत ही हाई लेवल या लो लेवल भी, तो NumPy आपको उसके लिए बहुत हेल्प करता है। सेकेंडली है कि NumPy वी कैन यूज़ NumPy व्हेन लॉट ऑफ डेटा इज देयर टू वर्क ऑन। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा डेटा है हमारे पास, बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा है, तो फिकर नॉट, NumPy आपका हेल्प कर देगा। NumPy बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को यूज़ कर प्रोसेस कर सकता है और उस पर अपने कंप्यूटेशंस परफॉर्म कर सकता है। तीसरा है कि यूज़ NumPy व्हेन यू वांट टू मेक फुल यूज़ ऑफ योर कंप्यूटर्स प्रोसेसिंग पावर। अब कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर का मतलब यहाँ पे ये है, आप ऊपर एक इमेज देख सकते हो जिसमें एक गूगल सर्च है कि हाउ मेनी कोर्स पाइथन यूज़, तो आंसर क्या है, 1 core। पाइथन अपने कंप्यूटेशन को परफॉर्म करने के लिए आपके सिस्टम का सिर्फ 1 core यूज़ करता है ज़्यादातर। राइट, और कोर का मतलब यह है कि आपके सिस्टम में, पहले के सिस्टम में क्या थे, पहले पुराने सिस्टम में 1 core ही हुआ करता था, पर आजकल के सिस्टम में 6 core, 8 core, 4 core ऐसे आने लगे हैं। जैसे मेरे सिस्टम में 6 cores है, यानी 6 computing powers है CPU के अंदर, तो मैं सिर्फ 1 computing power को यूज़ करके अपने प्रोग्राम रन क्यों कर रहा हूँ अगर मेरे पास 6 computing power है। तो उसके लिए NumPy आपका बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि NumPy में अगर कोई प्रोग्राम आपको अपने ढेर सारे या ज़्यादातर कोर्स का यूज़ करके रन कराने हैं तो आप वो करा सकते हो, यानी कि अपने कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर का फुल यूज़ कर सकते हो। एक लास्ट पॉइंट और है कि यूज़ NumPy व्हेन यू वांट टू सेव मेमोरी टू स्टोर डेटा। तो सपोज़ करो कि अगर आपके हार्ड डिस्क में 20 GB का स्पेस है, ओके, और आपको बिलियन डेटा ज़्यादातर लाइक 20 GB का स्पेस नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर 20 GB का स्पेस है और आपके पास बिलियंस ऑफ डेटा है उसको प्रोसेस करना है, तो आपको एक लिस्ट से 12 GB लगेगा उस डेटा को स्टोर करने के लिए एक एवरेज, ओके। लेकिन अगर आप वही लिस्ट का डेटा एक NumPy एरे में स्टोर कर सकते हो तो आपको सिर्फ 4 GB लगेगा, यानी कि आपके 8 GB ऑफ स्पेस बचेंगे। तो ये 8 GB बहुत ही बड़ा सेविंग है, यानी कि आपका जो डेटा स्टोर होता है NumPy में वो कम स्पेस लेता है एज़ कम्पेयर टू पाइथन का ट्रेडिशनल लिस्ट। सो यूज़ NumPy व्हेन यू वांट टू सेव मेमोरी टू स्टोर डेटा, यानी कि अगर आपको मेमोरी सेव करनी है तो NumPy ज़रूर यूज़ करें। ओके, तो आगे बढ़ते हैं कि हाउ टू यूज़ NumPy। ओके, तो अब आते हैं हाउ टू यूज़ NumPy पे, यानी कि NumPy को हम कैसे यूज़ करें, इसका प्रोग्राम कैसे बनाएं। तो सबसे बेसिक चीज़ है जो पहला पॉइंट में स्पेसिफाई किया गया है कि NumPy का ऑब्जेक्ट, जो डेटा स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट होता है उसको कहते हैं ND एरे। जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है NumPy का उसको कहते हैं ND एरे। द एरे लाइक ऑब्जेक्ट इन NumPy इज़ अ ND एरे। ND एरे NumPy ऑब्जेक्ट, ओके, इसको याद रखना है, हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा बेस है NumPy का, ND एरे ऑब्जेक्ट, ओके, एन डायमेंशनल एरे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं
कि NumPy कैन स्टोर ओनली होमोजीनियस डेटा, यानी कि ओनली सिंगल टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि NumPy के एरे में यानी कि ND एरे में आप सिर्फ इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो, स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो, यानी कि सिर्फ एक टाइप का डेटा स्टोर होगा। ऐसा नहीं है कि आप उसमें स्ट्रिंग भी डालो और इंटीजर भी डालो और फ्लोट भी डालो, हर टाइप का नहीं डाल सकते हो। अब बहुत लोग इसको सोचते होंगे कि यार ये एक डिसएडवांटेज है, ये क्योंकि पाइथन के लिस्ट में तो हम किसी भी टाइप का डेटा स्ट्रक्चर को होल्ड कर सकते हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर, बुलियन, एक सिंगल लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। बट अगर आप इसको प्रैक्टिकल माइंड से सोचो तो मैक्सिमम क्या होता है कि आपको अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो आप सेम डेटा स्ट्रक्चर पे ही परफॉर्म करते हो। लाइक अगर आपको एडिशन करना होता है तो 2+2 ही करोगे, 2+ कोई स्ट्रिंग नहीं एडिशन होता है, फिर वो कॉन्कैटिनेशन होता है, तो यानी कि दोनों को स्ट्रिंग की तरह ही ट्रीट किया जाता है। अगर आप पाइथन में भी अगर स्ट्रिंग और इंटीजर को ऐड करने की सोचोगे तो आपको एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि स्ट्रिंग और इंटीजर ऐड नहीं हो सकते। उसी तरह हम ज़्यादातर जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो एक होमोजीनियस डेटा पे परफॉर्म करते हैं, इसलिए NumPy को ऐसे बनाया गया है कि वो सिर्फ वो होमोजीनियस डेटा को ही स्टोर करेगा और जितने भी अपने कंप्यूटेशन फंक्शंस वो परफॉर्म करेगा वो होमोजीनियस डेटा पे ही करेगा, राइट। अब थर्ड पॉइंट है कि टू इंस्टॉल NumPy इन योर पाइथन इंटरप्रेटर। अब पाइथन इंटरप्रेटर में NumPy को कैसे इंस्टॉल करें? तो NumPy एक पाइथन लाइब्रेरी है, तो इसको इंस्टॉल करने का सीधा साधा कमांड है pip install numpy space version। वर्जन को आपको डालना ज़रूरी नहीं है, अगर आप वर्जन नहीं डालते हो तो आपका सबसे अपडेटेड वर्जन ऑफ NumPy इंस्टॉल होगा पाइथन इंटरप्रेटर में। और जो ज़रूरी चीज़ है वो जानने की ये है कि सिंस आप NumPy पढ़ रहे हो तो आपको पाइथन आना ज़रूरी है, क्योंकि वो पाइथन की ही लाइब्रेरी है, और आपके सिस्टम में पाइथन इंटरप्रेटर होना भी ज़रूरी है, तभी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो pip install numpy कमांड से। और वर्जन स्पेसिफाई जैसे कि मैंने बताया ज़रूरी नहीं है, ज़्यादातर लोग वर्जन स्पेसिफाई तब करते हैं जब उनको किसी पुराने वर्जन पे कोई प्रोग्राम को चेक करना होता है, राइट। तो एज अ बिगनर मैं चाहूँगा कि आप सिर्फ pip install numpy ही लिखो, वर्जन रहने तो सबसे अपडेटेड वर्जन ही इंस्टॉल होगा, ओके। अब हम एग्जांपल देखते हैं, बेसिक एग्जांपल टू क्रिएट 2 NumPy एरे एंड ऐड देम इज बिलो, ठीक है। तो पहला है हमें NumPy को इम्पोर्ट करना होगा, उसका कमांड है NumPy import as import NumPy as np, राइट। np नाम से हम NumPy को यहाँ पे डिनोट करेंगे। पहला डेटा बनाते हैं, data1 is equal to np.array। एरे के अंदर आप अपना लिस्ट टाइप, लिस्ट के अंदर एक डेटा दे सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 दिया है। और ये data1 क्या है? एक ND array ऑब्जेक्ट है, और अभी तो मैंने स्लाइड में दिखाया, अभी मैं आपको एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगा आगे। सेकेंड डेटा आपका वैसे ही बनाया है मैंने फिर से, लेकिन इसके अंदर 6, 7, 8, 9, 10 है, और फिर डायरेक्टली मैंने प्रिंट किया है data1 + data2, और आउटपुट में हमारे आएगा 6+1 7, 7+2 9, 8+3 11, 9+4 13, 10+5 15। सो कितना ईजी है हमें एडिशन परफॉर्म करना। अगर आप दो लिस्ट को ऐसे एडिशन करते हो, भले दोनों लिस्ट में इंटीजर ही स्टोर्ड हो, अगर उसमें आप एडिशन करते हो तो आपका एडिशन नहीं होता है, वो अपेंड होता है, आपकी दूसरी लिस्ट पहली लिस्ट मिल जाती है और एक बड़ी लिस्ट बनाती है। इसका एग्जांपल मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो कोड मैंने पहले से टाइप किया हुआ है आपके समझने के लिए, क्योंकि ये बेसिक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने NumPy को इम्पोर्ट किया, ये लाइन को मैं रन कराता हूँ, और ये मैं एक जुपिटर नोटबुक में वर्क कर रहा हूँ, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको सब बता दूंगा कि कैसे जुपिटर नोटबुक के अंदर आप पाइथन के कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, ओके। सो यहाँ NumPy को हमने इम्पोर्ट कर दिया है, सेकेंड कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप आउटपुट देख सकते हो 3, 5, 7, 9, 11, राइट। तो क्या हुआ है, पहले हमने एक लिस्ट डिफाइन किया है ए, जिसके अंदर डेटा है 1, 2, 3, 4, 5, बी के अंदर है 2, 3, 4, 5, 6। अब सी हमने एक लिस्ट डिफाइन किया है, उसके बाद हमने क्या किया है, उन दोनों को ऐड करने के लिए, दोनों ए और बी के एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए एक लूप चलाया है, और यही तरीका है जिससे हम ये कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लिखते हैं प्रिंट ए प्लस बी, अगर हम डायरेक्टली प्रिंट ए प्लस बी लिखते हैं, तो अगर हम लिखते हैं प्रिंट ए प्लस बी, तो आप आउटपुट देख सकते हो क्या आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि आपका जो दूसरा लिस्ट है वो पहले भी अपेंड हो गया है, एक नया लिस्ट बना दिया है, एडिशन नहीं हुआ है। और ये नॉर्मल पाइथन का ऐसे ही वर्क करता है, अगर आप दो लिस्ट को ऐड करोगे तो वो अपेंड होते हैं, तो इसमें कोई गलती नहीं है। बट अगर हमें परफॉर्म करना है एडिशन तो क्या करेंगे,
एक लूप चलाएंगे, उसके बाद ऐसा करेंगे। पर इसमें क्या है, अगर आपको नंपाई का यूज़ करके ऐसा ही करना है तो आप बहुत ही ईजिली कर सकते हो। जैसा कि हमने किया है, एक डेटा लिया है डी और एक डेटा लिया है ई। तो डी में हमने वही एरे बनाया है, एन पी डॉट एरे, और ए डाल दिया, यानी कि 1 2 3 4 5 डाल दिया। और उसी तरह हमने ई में दूसरा डेटा लिया है बी को डाल करके, एन पी डॉट एरे 2 3 4 5 6। और अब हमने डी प्लस ई किया है और हम कंट्रोल एंटर करते हैं, तो आप देख सकते हो 3 5 7 9 11 आपका एडिशन हो गया बिना किसी लूप के। यानी कि बहुत इजीली आप मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए किसी दो एरे लाइक डेटा पे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि डी का डेटा टाइप क्या है। राइट, टाइप ऑफ डी, राइट, एन नंपाई डॉट एन डी एरे। सो एन डी एरे यानी कि एक एरे एन डायमेंशनल का। तो अभी आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा शायद कोड, बट ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स है नहीं, और आने वाले वीडियोस में मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा। अभी सिर्फ बेसिक है, आप जान लो कि कैसे दो एरे को हमने क्रिएट कर दिया और उसके बाद दोनों को कितना इजीली एडिशन कर दिया। तो नंपाई का पावर है ये। सो ऐसे यूज़ करते हैं हम नंपाई को। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि हम कहाँ कहाँ नंपाई एक्चुअली यूज़ हो रहा है इस वर्ल्ड में। सो अब बात करते हैं कि वेयर इज़ नंपाई ऑलरेडी इन यूज़। सो इसका ये मतलब है कि ना कहाँ कहाँ नंपाई पहले से यूज़ हो रहा है, कितनी अच्छी अच्छी जगह यूज़ हो रहा है। और जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी तक बताए हैं या बताने वाला हूँ वो लिमिटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी ही जगह ऐसा हो रहा है, बहुत बहुत सारी जगह ऐसा हो रहा है जो मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर पाऊँगा। पर हाँ, जो बेसिक है, जो मस्ट नो है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला पॉइंट है कि नंपाई इज़ यूज एज अ बेस लाइब्रेरी फॉर मैनी फेमस पाइथन लाइब्रेरीज़। अब आपने पाइथन के कुछ लाइब्रेरीज़ का जो नाम लिखा हुआ है आपने सुना होगा, या नहीं भी सुना होगा तो आप जान लीजिए बहुत फेमस लाइब्रेरीज है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंडस्ट्री में। तो जैसे पांडास हो गया आपका डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ होता है, साइकिट लर्न आपका मशीन लर्निंग के लिए यूज़ होता है, टेंसर फ्लो गूगल द्वारा बनाया गया है और इसको ज़्यादातर हम लोग न्यूरल नेटवर्क्स में यूज़ करते हैं, डीप न्यूरल नेटवर्क्स में। मैटप्लॉटलिब को यूज़ करते हैं हम डेटा विजुअलाइजेशन में। डास्क को हम पैरेलल कंप्यूटिंग ऑफ एरे के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो बहुत चीज़ें हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जो कि नंपाई पे बेस्ड बनाई गई है। यानी कि ये जितनी लाइब्रेरीज हैं ये नंपाई के ऊपर ही बनी है, नंपाई को यूज़ करके। राइट, अब डोमेन्स क्या क्या है, नंपाई इज़ यूज इन मैनी डिफरेंट डोमेन्स, यानी कि कितने एरियाज़ में ये यूज़ होता है। तो साइंटिफिक एरिया में यूज़ होता है, डेटा साइंस में यूज़ होता है, मशीन लर्निंग, डेटा विजुअलाइजेशन, एस्ट्रोनॉमी एंड साइकोलॉजिकल स्टडीज़, और भी बहुत सारे। तो जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में बताया कि बहुत सारे लाइब्रेरीज़ हैं, तो इसलिए बहुत सारे एरियाज़ को भी ये कवर कर सकता है। अब कुछ केस स्टडीज़, कुछ एक्चुअल प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर हम बात करें तो आपको याद होगा, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, टॉप राइट में एक इमेज है आपको जो कि एक ब्लैक होल की इमेज है। ये ब्लैक होल का पहला इमेज कुछ सालों पहले बना था। तो इसके अंदर जितने भी लाइब्रेरीज यूज़ की गई थी पाइथन की, मोस्ट ऑफ देम, बहुत ज़्यादातर में नंपाई ही बेस्ड था। जैसे साइकिट लर्न को यूज़ किया गया था और अलग अलग लाइब्रेरीज़ को यूज़ किया गया था, वो सब बेस्ड थे किस पे, नंपाई पे ही। यानी नंपाई एक बेस बना है इस इमेज को बनाने के लिए, और ये इमेज बहुत बड़ा इन्वेंशन है, बहुत बड़ा कामयाबी है एस्ट्रोनॉमी का। और हम कह सकते हैं कि फर्स्ट इमेज ब्लैक होल का पाना इजी नहीं था। राइट, सेकेंडली अगर हमें बात करें तो स्पोर्ट्स, आप अगर क्रिकेट देखते हो, फुटबॉल देखते हो, तो आप देखते हो कि मैच के बीच बीच में एनालिसिस होते हैं कि इस प्लेयर ने इतने मैचेस में इतने रन बनाए हैं, अब इतने बना सकता है इस मैच में, या इस पिच पे इतने रन बने हैं, इतने मैक्सिमम है, इतने मिनिमम है। तो ये सब जो डेटा के एनालिसिस आपको शो करता है, ये भी लाइब्रेरीज जो बननी होती हैं, जिस लाइब्रेरी से बनते हैं ऐसे ऐसे एनालिसिस, वो लाइब्रेरीज नंपाई का यूज़ करते हैं, या फिर डायरेक्टली नंपाई के यूज़ से ही वो बना दिया जाता है, या फिर वो लाइब्रेरीज के थ्रू करते हैं। यानी कि हर चीज़ का जो बेस है, बड़े बड़े डेटा को हैंडल करने का जो बेस है, वो नंपाई के पास है, उतना पावर है। तो अभी तक आपने नंपाई के बारे में एक इंट्रोडक्शन मिल गया होगा आपको, और नंपाई का एक आइडिया मिल गया होगा कि नंपाई हम कहाँ यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, वो कहाँ कहाँ ऑलरेडी में यूज्ड है। सो अभी तो बहुत इंट्रोडक्शन वीडियो था, बहुत ही बेसिक था, लेकिन आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा नंपाई कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स बना करके, बिगिनर्स टू एडवांस प्रोग्राम बनाऊंगा आने वाले वीडियोस में। तो इस सीरीज़ के साथ बने रहे, चैनल के साथ बने रहे। वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।